एंड वेलकम टू इंडिया पट डॉट कॉम। फ्रेंड्स, कल आपने देखा था स्पॉटिंग एरर का पार्ट वन, तो काफ़ी स्टूडेंट ने डिमांड किया था कि पार्ट टू भी बनाइए, तो हम पार्ट टू लेके आ गए हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, तो इस पूरे वीडियो तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक रेगुलर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, चाहे स्टडी मटेरियल हो या फिर कोई भी लेटेस्ट जॉब अपडेट हो या जॉब से रिलेटेड कोई अपडेट हो या नई वैकेंसी आई हो, तो सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे वेबसाइट पर जाके आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस अपलोड कर दिए गए हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर जाके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप सभी जगह जाके ज्वाइन कर लें। उसके बाद वीडियो के लिए कोई अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई सवाल हो तो कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए देखते हैं, ये कल भी आपको मैंने बताया था कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले चार एग्जाम जब 1995 में एग्जाम्स हुआ था उससे इस टॉपिक से 10 क्वेश्चंस आए थे। 2001 में जब एग्जाम हुआ था तो 50 क्वेश्चंस आए थे। 2006 में एग्जाम हुआ था तो 20 क्वेश्चंस आए थे। 2012 में एग्जाम हुआ था तो 20 क्वेश्चंस आए थे। तो देख सकते हैं टोटल आउट ऑफ 100 यहाँ पर 10% क्वेश्चंस, यहाँ पर 50% क्वेश्चंस, यहाँ 20%, यहाँ 20%, तो इतने क्वेश्चंस आए थे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं और हर ईयर इससे क्वेश्चन आया है, ये एकमात्र टॉपिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस टॉपिक में और क्या है। तो ये जैसा कल क्वेश्चन कर रहे थे 15 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक काम और करेंगे, दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पर होगा वो करेंगे। तो इन ईच ऑफ, यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज नो एरर। तो एक सेंटेंस को तीन या चार पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कि कहीं आपको एरर दिख रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करें, और उसके बाद अगर आपको कोई एरर नहीं लग रहा है चारों सेंटेंस में तो नो एरर ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, माई होस्ट सफर्ड ए फ्रॉम द इल्यूजन बी दैट आई वॉज अ पॉलिटिकल लीडर, सी नो एरर, डी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप ये क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व करते चलें, आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो इसमें इल्यूजन को चेंज करके, इल्यूजन इसमें गलत है और इल्यूजन के बदले हम लोग यूज करेंगे डिल्यूजन। अब इल्यूजन का मीनिंग होता है डिफेक्ट इन विजन, और फिर डिल्यूजन का मीनिंग होता है डिफेक्ट इन मींस इट इज अ फॉल्स ओपिनियन। तो यहां पर लिख देते हैं, इल्यूजन जो होता है वो होता है डिफेक्ट इन विजन, डिल्यूजन इसका मीनिंग होता है अ फॉल्स ओपिनियन। तो इसीलिए यहां पर डिल्यूजन का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो द फर्स्ट पोर्शन ए ऑफ द बुक वॉज डन, बी द लेटर पार्ट सी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, डी नो एरर, ई। इसका जो गलत है वो है पार्ट सी में गलत। तो पार्ट सी में गलती है, तो इसमें गलत क्या है, तो इसमें गलत जो है वो वर्ड लेटर है, लेटर के बदले में यूज करेंगे हम लोग लेटर। तो लेटर का मीनिंग होता है, लेटर मतलब होता है सेकेंड, नेक्स्ट वन या फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं, और लेटर का मीनिंग होता है, लेटर का मीनिंग होता है कमिंग आफ्टर। तो इसीलिए यहां पर लेटर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैन आई लेंट ए योर पेंसिल बी फॉर अ मिनट प्लीज, सी नो एरर, डी। तो इसमें क्या है,
यहाँ गलत जो है वो है पार्ट ए गलत। अब यहां पर पार्ट ए में क्या गलती है, तो यहां पर लेंड के बदले यहां पर बोरो यूज होगा, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे को उधार देना है, मेरे को लेना है ये। तो यहां पर लेंड को बोरो से रिप्लेस करेंगे। बोरो मीन्स क्या होता है, तो बोरो का मीनिंग होता टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन। और लेंड का मीनिंग क्या होता है, गिविंग समथिंग टू समवन। तो इसीलिए यहां पर बोरो यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द टेलीविजन ए वॉज डिस्कवर्ड बी बाय जॉन बेयर्ड, सी नो एरर, डी। इसमें जो गलत है वो डिस्कवर्ड गलत है, मींस जो पार्ट बी है वो गलत है। डिस्कवर्ड के बदले क्या होगा यहां पर, इन्वेंटेड। अब क्या होता है डिस्कवर्ड और इन्वेंटेड का मीनिंग, तो डिस्कवर का मीनिंग क्या होता है, डिस्कवर का मतलब होता है कि ट्रेसिंग आउट समथिंग प्री एग्जिस्टिंग बट अननोन, मतलब जो पहले से वो हो मौजूद और उसको ढूंढना। तो ये ट्रेसिंग आउट समथिंग प्री एग्जिस्टिंग। उसके बाद इन्वेंट का क्या होता है, इन्वेंट का मीनिंग होता है फाइंडिंग आउट समथिंग। कंप्लीटली न्यू डिजाइन करना, ये पहले से मौजूद नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 5, माइकल एंड जॉनसन ऑलवेज हेल्प ए वन अनदर बी इन टाइम्स ऑफ नीड, सी नो एरर, डी। तो इसका है वन अनदर गलत है, तो इसका पार्ट बी गलत है। पार्ट बी गलत है तो उसका सही क्या होगा, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर जो पार्ट बी है वो गलत है, वन अनदर गलत है यहां पर। उसके बदले में हम लोग यूज कर सकते हैं ईच अदर। तो ईच अदर यूज होता है टू पर्सन के लिए। उसके बाद वन अनदर जो यूज होता है वो होता है मोर देन टू पर्सन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी ऑफ दीज ए टू गर्ल्स इज बी योर सिस्टर, सी नो एरर, डी। तो यहां पर जो गलत है वो है पार्ट ए गलत। एनी के बदले में क्या होगा यहां पर, यहां पर एनी के बदले यूज होगा आइदर। अब आइदर होता है, आइदर का मीनिंग होता है एनी ऑफ द टू। और इसीलिए यहां पर आइदर यूज होगा, क्योंकि यहां पर दो की ही बात की जा रही है। जब एक लिमिटेड नंबर दिया हो तो आइदर ऑफ द थ्री भी दिया हो तो तीन के बीच में यूज होगा। एक लिमिटेड नंबर दिया है, अगर आइदर ऑफ और एनी ऑफ मीन्स हो गया कि मल्टीपल नंबर्स में हो गया जिसका नंबर कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, द हाइयर वी क्लाइंब ए अप द माउंटेन पीक बी द कूलर सी वी फील डी नो एरर ई। तो यहां पर है गलत जो है वो है पार्ट बी गलत। पार्ट बी में क्या गलत है, तो यहां पर माउंटेन पीक गलत है, माउंट पीक को हटा देना पड़ेगा। तो यहां पर यूज करना है, पीक क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट होता है माउंटेन का,
तो पीक जो है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ माउंटेन होता है। तो इसके बदले में माउंटेन क्लाइंब किया जाता है ना कि माउंटेन पीक को क्लाइंब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, गुड नाइट ए सर, बी हैव अ सीट, सी नो एरर, डी। तो यहां पर आपको पता लग ही गया होगा यहां गलत है पार्ट ए। जब किसी से मिलते हैं हम लोग तो वो गुड नाइट हम लोग नहीं बोलते हैं। अगर मॉर्निंग हो तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, आफ्टरनून तो गुड आफ्टरनून, या इवनिंग हो तो गुड इवनिंग बोलेंगे। गुड नाइट बोलते हैं सोने से पहले, अगर सोने जाने से पहले किसी से मिल रहे हैं तो गुड नाइट बोलेंगे। तो यहाँ पर गलत है, गुड नाइट को हम लोग रिप्लेस कर देंगे गुड इवनिंग। यहाँ पर ये गुड नाइट जो है इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग गुड मॉर्निंग से कर सकते हैं, या गुड आफ्टरनून से कर सकते हैं, और शाम का समय हो तो गुड इवनिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पर दिया मिसेस कुलकर्णीज हस्बैंड इज अ वेरी गुड बी कुकर, सी नो एरर, डी। तो यहां पर भी आपको मालूम चल गया होगा यहाँ जो गलत है वो पार्ट सी गलत है। कुकर नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा कुक। कुक क्या होता है? जो खाना बनाता है। कुकर क्या होता है? जो कुकिंग के लिए यूटेंसिल यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुकर। वेसल जो यूज होता है कुकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। द वेदर ए ऑफ द न्यू प्लेस बी डिड नॉट सूट रवि, सी नो एरर, डी। तो यहाँ पर जो गलत है वो पार्ट ए गलत है। वेदर के बदले में क्या होता है? क्लाइमेट यूज करेंगे हम लोग। अब क्यों यूज करेंगे? तो क्लाइमेट का जो मीनिंग होता है वो होता है जनरल एनवायरमेंटल कंडीशन, जो कि टेम्पररी फेज के लिए होता है। लेकिन अगर हम लोग वेदर यूज करेंगे तो वेदर का मीनिंग होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन अ पार्टिकुलर डे। तो यहां पर आपको एक कंफ्यूजन हो गया होगा, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। यहां पर क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट जो है और जनरल एनवायरनमेंट कंडीशन होता है, वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन अ पार्टिकुलर डे होता है। तो वेदर जैसे आज ज्यादा गर्मी लग रही है तो ये होगी, इसको वेदर बोलेंगे। उसके बाद क्लाइमेट जो बोलेंगे, यहाँ पर क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म होता है ना शॉर्ट टर्म होता है। तो क्लाइमेट जैसे हो गया कि ठंड, जैसे अगर शिमला जाएंगे तो वहां ज्यादातर ठंड रहती है, तो इस तरह का ये क्लाइमेटिक कंडीशन हो गया। तो इसलिए यहां पर वेदर के बदले हम लोग क्लाइमेट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर द हाउस ओनर्स फॉरगेट दैट इवन ए सो सिंपल अ मैटर बी एज क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग सी अ लॉन अफेक्ट्स अफेक्ट्स इकोलॉजी एंड शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, डी नो एरर, ई। तो यहां पर जो है वो गलत है पार्ट डी। तो यहाँ पर गलत क्या है? इकोलॉजी गलत है, उसके बदले में हम लोग यूज करेंगे एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट यूज करेंगे। इकोलॉजी जो होता है वो होता है साइंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये सब्जेक्ट होता है, पढ़ाई होता है, तो ये होता है साइंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो यहां पर इसलिए हम लोग एनवायरनमेंट यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। द मिनिस्टर सेड दैट ए सच स्टेटमेंट वुड डेफिनेटली बी लोअर द मोरल ऑफ आवर सोल्जर, सी नो एरर, डी। तो यहां पर जो गलत है वो गलत है पार्ट सी। तो यहां पर मोरल नहीं होगा, मोराल होगा। तो मोरल का मीन्स क्या होता है? मोरल का मीनिंग होता है लेसन टॉट बाय अ स्टोरी।
या फिर इंसिडेंट। ऐसा ही हुआ। मोराल का मीनिंग होता स्पिरिट, तो इसलिए यहां पर मोराल यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 13। द मैनेजर कॉल्ड द क्लर्क एंड सेड वेदर ए ही वॉज इन द हैबिट ऑफ बी स्लीपिंग एट होम एज वेल, सी नो एरर, डी। तो यहां पर जो गलत है वो है पार्ट ए गलत। तो यहां पर गलत क्या है? सेड नहीं होगा, यहां पर होगा आस्क्ड, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सेड नहीं आस्क्ड होगा यहां पर। और उसके बाद वेदर जो है, वेदर से पहले सेड नहीं होता है यूज, वेदर से पहले सेड नहीं यूज होता है, इसके बदले आस्क्ड होता है। 14। इफ यू लूज योर पासपोर्ट ए इन अ फॉरेन कंट्री बी, इट विल अफेक्ट यू हार्डली, सी नो एरर, डी। तो यहां पर जो गलत है वो है पार्ट सी गलत। तो यहां पर इफेक्ट को गलत है, इसके बदले में हम लोग यूज करेंगे अफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15। आई विल स्पेंड ए माई रिमेनिंग लाइफ बी इन द विलेज, सी नो एरर, डी। तो यहां पर जो गलत है वो है पार्ट बी गलत। तो यहां पर माई रिमेनिंग लाइफ के बदले में होगा रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चंस, वो इस तरह के क्वेश्चंस तो बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं अभी तक, लेकिन हो सकता है इस बार पूछा भी जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस, तो मैं इसको भी कवर करवा देता। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। उसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, तो आपको कौन सा टॉपिक चाहिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं, उसी हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो जितनी जल्दी आप बताएंगे उतनी जल्दी बनाएंगे हम लोग वीडियो, तो जल्दी से कमेंट करें। तो चलते हैं इस पार्ट पे। तो यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में लिखा है इन ईच सेंटेंस बिलो फोर वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर लेबल्ड ए बी सी एंड डी हैव बीन प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप। मतलब हर सेंटेंस में चार वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसको ए बी सी और डी से लेबल किया गया है और उसको बोल्ड में लिखा गया है। वन ऑफ विच मे बी आइदर इनअप्रोप्रिएट ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन द कॉन्टेक्स्ट, जिसमें से एक जो है हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में गलत है और रॉन्गली स्पेल्ड, या उसका स्पेलिंग गलत है। इफ ऑल द फोर आर अप्रोप्रिएट एंड ऑल्सो करेक्टली स्पेल्ड, ऑल करेक्ट एज द आंसर। तो अगर सारा उसमें सही लग रहा है आपको तो ऑल करेक्ट आप आंसर दे दीजिए। तो चलिए इसमें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। द डिस्ट्रीब्यूशन ए ऑफ फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज इज इरेगुलर बी, सो दैट फ्यू कंट्रीज सी हैव ऑल सोर्सेज अवेलेबल डी टू देम, ऑल करेक्ट ई। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो पार्ट डी में अवेलेबल है इसका स्पेलिंग गलत है। अवेलेबल का स्पेलिंग क्या होता है? ए वी आई एल ए बी एल ई, तो ये होता है अवेलेबल का स्पेलिंग। तो आपका यहां पर आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग ए टू मी ही इज द आइडियल बी चॉइस फॉर परफॉर्मिंग सी दिस रोल, डी, ऑल करेक्ट ई। तो यहां पर जो आप देखेंगे यहां पर पार्ट डी गलत है, रोल नहीं यहां पर होगा बल्कि रोल होगा, भूमिका। क्वेश्चन नंबर 18। द एग्जिस्टेंस ए एंड एटीट्यूड्स बी ऑफ द कॉलोनियल सी आर्मी वेयर डिसाइसिव डी टू द आउटब्रेक ऑफ द सिविल वॉर, ऑल करेक्ट ई। तो इसमें जो यूज होगा वो ऑप्शन ए गलत है, इसका स्पेलिंग गलत है, इसके बदले में यूज होगा एग्जिस्टेंस, EXISTENCE, ये सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 19, द सक्सेस ऑफ अ मैन ए इन बिजनेस बी डिपेंड्स ओवर सी हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स डी ऑल करेक्ट ई। तो यहां पर यू जो गलत है वो है पार्ट सी गलत, डिपेंड्स ओवर नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये। नो कंट्री ए कैन आइसोलेट बी इटसेल्फ फ्रॉम इंटरनेशनल सी पॉलिटिक्स डी ऑल करेक्ट ई। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पेलिंग है वो कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री नहीं होगा, वहां पर होगा कंट्री, सी ओ यू एन टी आर वाई। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सवाल के लिए कॉमेंट करें कुछ, उसके बाद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। सारे जगह से आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहेगा, कोई नया जॉब आता है उसका, या कोई जॉब अपडेट आता है करंट वाला उसका, या और सारे स्टडी मटेरियल का, और उसका सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर। तो फ्रेंड्स अब आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर बार आता है वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो इसमें पहले कौन सा चाहिए, सिनोनिम्स चाहिए एंटोनिम्स चाहिए, जल्दी से बताएं, तो उतनी जल्दी हम शाम को वीडियो अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।